और अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली शराब घोटाले को लेकर घिरते जा रहे हैं, और सीबीआई ईडी दोनों ही जांच एजेंसियों ने इस घोटाले की जांच तेज कर दी है। नौ समन 18 बहाने, एके मतलब एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल, ये एक और उपाधि उनको मिली है, एएके एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल, ये एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनको आके उनकी सफाई देनी पड़ेगी। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का सम्मान क्यों नहीं कर रही है, उसे इंतजार क्यों नहीं हो पा रहा है? भाई कोर्ट जो फैसला करेगा सभी मानेंगे। केजरीवाल साहब को चाहिए कि जो 2012 में उन्होंने हमें कहा था, जनता को कहा था कि अगर मेरे ऊपर आक्षेप भी आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या मुझे जेल में डाल देना, ये समय आ गया है कि उनको इस्तीफा देकर के ईडी को फेस करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तीन बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह पहले से जेल में हैं और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जहां उनकी न्यायिक हिरासत एक बार फिर 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। बड़ी बात यह कि सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि वो इस मामले में कुछ और हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के बाद आम आदमी पार्टी में वो हाई प्रोफाइल कौन हो सकता है जिसको सीबीआई गिरफ्तार करने वाली है। दूसरी तरफ ईडी ने भी शराब घोटाले की जांच में अब तक का सबसे बड़ा दावा किया। ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम ले लिया। ये कहा कि के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं केजरीवाल सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची, बदले में के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ दिए। के कविता के साथ मिलकर इन नेताओं ने शराब घोटाले की साजिश रची और दिल्ली की नई आबकारी नीति में कई ऐसे बदलाव किए जिससे शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचा और सरकारी खजाने को 144 करोड़ से ज्यादा की चपत लगी। ईडी के मुताबिक नई आबकारी नीति से लाभ पाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए गए। ये ईडी का दावा एक साजिश के तहत होलसेलर्स के जरिए लगातार रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचाया जाता रहा। साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो करोड़ों रुपए की रिश्वत दी, उसका मकसद नई शराब नीति से दोगुना मुनाफा कमाना था। देखिए, ईडी और सीबीआई दोनों ही दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रही है। सीबीआई दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े आपराधिक मामले की जांच कर रही है, जबकि ईडी इसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रही है। ईडी इस मामले में अरविंद केजरीवाल को लगातार समन भेज रही है, लगातार, लेकिन वो अब तक एक बार भी पेश नहीं हुए। ईडी ने केजरीवाल को 9वां समन भेज दिया, जिसमें उन्हें 21 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी ईडी ने केजरीवाल को पहला समन भेजा है। इस तरह शराब घोटाले में 9 समन, जल बोर्ड घोटाले में भी 1 समन, लेकिन हर बार केजरीवाल का एक ही जवाब, ईडी के समन गैर कानूनी है, उनके खिलाफ ये जांच राजनीतिक साजिश के तहत हो रही है। नौ समन 18 बहाने, बड़े बड़े अंदर अब हाई प्रोफाइल का नंबर। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। किस हाई प्रोफाइल को गिरफ्तार करेगी सीबीआई?
दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई जिस हाई प्रोफाइल को गिरफ्तार करने वाली है वो हाई प्रोफाइल कौन है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत एक बार फिर 6 अप्रैल तक बढ़ा दी। कोर्ट में सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया और ये भी कहा कि इस मामले में कुछ और हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इस समय आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। इसलिए सवाल ये है कि जिस हाई प्रोफाइल की बात सीबीआई ने कोर्ट में की वो हाई प्रोफाइल कौन है। उधर शराब घोटाले में ईडी ने भी बड़ा दावा किया है। ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को साजिश का आरोपी बताया है और इन नेताओं की लिस्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। ईडी ने मामले में अब तक की जांच का हवाला देते हुए बताया है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आपके कई बड़े नेताओं के साथ मिलकर के कविता ने इस घोटाले की साजिश रची। ईडी के मुताबिक लाभ के बदले में के कविता ने आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ये पैसा शराब के थोक कारोबारियों से लिए गए और आम आदमी पार्टी को मदद पहुंचाई गई। ईडी के नए दावों से आपके साथ ही सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि आपने दावों को खारिज किया है। और ईडी को जवाब देते हुए कहा कि शराब घोटाले मामले में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है और वो राजनीतिक हथियार के तौर पर काम कर रही है। आपने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर रही है। साथ ही उसने आरोप लगाया कि बीजेपी केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है। एके मतलब एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल, ये एक और उपाधि उनको मिली है, एएके अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल। ये अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनको आके उनकी सफाई देनी पड़ेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पे। तो फिर यह सवाल उठता है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया। ईडी ने इसी महीने की 15 तारीख को हैदराबाद में छापेमारी की थी और तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया था। के कविता फिलहाल ईडी की कस्टडी में है जहां 23 मार्च तक उनसे पूछताछ होनी है। ईडी ने मामले में अब तक की जानकारी देते हुए बताया कि